हेलो जी, राम राम जी सारा ने। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। तो भैया, आप सभी का स्वागत है अंजू यादव ब्लॉग्स में। सुबह का टाइम हो रहा है, रसोई का काम निपटा लिया है। ये देखो, गैस वगैरह सब साफ कर दी है, इधर बर्तन रह रहे हैं, बस इन बर्तनों को कर देती हूँ। बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है तो इनकी बस कभी कुछ के बनाने की फरमाइश ही रहती है। तो मैं पहले निमटा लेती हूँ ये बर्तन वगैरह धोने का काम, तो उसके बाद देखूंगी, करती हूँ कुछ और काम अपना, फिर इनकी खाने की तैयारी हो जाएगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने सोट की तुरपाई। ये देखो, इस वाले की थोड़ी सी बच रही है अभी, एक दो क्या बोलते हैं इसको, आधे एक सोट की बच रही है अभी तुरपाई, तो इसकी हुई नहीं है। तो मैं इनके खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ, मूंग चावल की। बोल रहे कि हमें खिचड़ी खानी है, तो अब खिचड़ी चढ़ा के आ गई हूँ, अभी बनी नहीं है। और मानिक को दिखाती हूँ कैसे खेल रहा है। ये देख, लाइन लगा रखी है इसने अपने सारे टॉयज की, और नीचे पड़ा है फरस में, आराम से खेल रहा है यहाँ। और टब रखा है, उसमें इसके सारे टॉयज भरे पड़े हैं। अरे ऐसे कैसे खेल रहा है तू, आराम से बैठ के खेल। बैठने वाला गेम नहीं है। तो कौन सा गेम है ये? एक। फिर ये लाइन में लगा के इनको कौन सी बारात में ले जा रहा है तू? इनको ले जा रहा हूँ दिखाने। कौन सी मूवी दिखाने ले जा रहा है? यूट्यूबर्स की। अच्छा, तो गाइज, मानिक ने तो अपने सारे टॉयज एनिमल्स जितने भी थे सारे बैठा लिए, और बोल रहा है इनको मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ मैं। तो इनकी खिचड़ी बन गई है, शायद 2-3 सीटियाँ आ गई है कुकर में। तो मैं एक बार रसोई में जाके देखती हूँ। मैं भी अपने नीचे ही बैठी थी फरस में, मैं भी बेड पे नहीं बैठी क्योंकि फरस में अच्छा लग रहा है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए एसी ऑन कर रखा था। देखो, हवा नीचे नहीं आ रही बेटा, हवा तो सारी आ रही है। ये देखो कैसे टॉयज फैला रखी है इसने, आगे तक लाइन लगा रखी तूने तो पूरी। अच्छा, जैसे खेल रहा है ना ऐसे फिर इनको समेट के रख दियो, ठीक है? ए ए नहीं है, एक भी खुले नहीं रहने चाहिए फिर। तो गाइस, खिचड़ी बन गई है इनकी। बंद कर देती हूँ, 2-3 सीटियों में आराम से बन जाती है। तो इनको पसंद है, दोनों बच्चों को, खुश होके खा लेते हैं। बर्तन वर्तन सब कर दिए थे, रसोई एकदम साफ थी, दोबारा बनाया तो फिर वही इतने ही बर्तन हो जाएंगे गर्मी में। फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्मियों में ही आती है रसोई में आने के लिए। सर्दी के टाइम में तो बड़ा मज़ा आता है रसोई में काम करने में भी। डाल के दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि जल्दी कर रहे हैं, कह रहे कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। घर में रहते हैं तो इनको सारा दिन भूख भूख ही रहती है, और खाना भी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी खाएंगे, ये भी नहीं कि अच्छे से खा लें, थोड़ी सी खाएंगे फिर बोलेंगे बस हमारा पेट फुल हो गया, ये नहीं कि अच्छे से खा लें। चाव होता है इनको हर चीज़ का, थोड़ी थोड़ी का, बस ये भी बना दो ये भी बना दो, खाना वाना कुछ नहीं होता। तो मैं कुकर की सीटी निकाल लेती हूँ, दे देती हूँ डाल के। मानिक तो मेरे पीछे पीछे भी आ गया, इसको तो लग रहा है ज़्यादा ही भूख लग रही है। तो गाइज, मैं दे देती हूँ इनको डाल के। तो गाइज, डाल दिए मैंने खिचड़ी, मूंग की और चावल की बनाई है। तो इसमें ऊपर ये थोड़ी सी खांड डाली है, देसी खांड बोलते हैं जिसको। तो ये मैं दे देती हूँ बच्चों को, वेट कर रहे हैं दोनों अंदर बैठ के। तो गाइस, खा ली है मैंने तो खिचड़ी, बच्चे अभी खा रहे हैं दोनों बैठ के। तो गाइस, जो बच्चों का मन करे खाने का तो वो बना के खिला देना चाहिए, खाना चाहिए बच्चों को, कुछ तो खाए कम से कम। तो दोनों बैठे, देखो मानिक के तो मुंह में अटक अटक के जा रही है। खा लेते हैं ये दोनों भी, फिर मैं करूँगी बर्तन, कपड़े भी धोने हैं तो कपड़े भी धोऊंगी, तो थोड़ी देर लेट लेती हूँ मैं। तो गाइस, इधर लगा दी मैंने कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि कपड़े हो रहे थे ढेर सारे, दो दो टप में रखे हैं भरे हुए, एक बार के मशीन में डाल दिए हैं, तो इधर कपड़े धुलते रहेंगे साथ में। और मैंने चाय भी चढ़ा रखी है अपनी, पसीने आ रहे हैं फेस पे। और रितिका गई है ट्यूशन, और मानिक कह रहा मुझे मैगी खानी है, तो इधर इसकी
मैगी भी रख दी है बनने के लिए और अपनी चाय रख दी है बनने के लिए। तो मैगी तो इसकी बनी ही गई बस, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, फिर ये अकेडमी जाएगा तो पहला मुझे मैगी खानी है। तो मैगी बन गई इसकी, बंद कर देती हूँ गैस को, और चाय भी बन गई तो चाय भी डाल लेती हूँ, और कपड़े भी धुल जाएंगे साथ में, फिर ये बर्तन वगैरह सब एक बारी में कर लूँगी एक साथ। दे देती हूँ मैं डाल के पहले। गई हूँ दोबारा से, गई हूँ। तो गाइस मानिक गाना गा रहा था, मैंने इसकी चुपके से वीडियो बना ली। गई एक बार और ना, उसमें ढंग से सुनाई नहीं दिया। हो गया अकेडमी के लिए रेडी? हो गया तो गाइस मानिक हो गया अकेडमी के लिए रेडी। क्यों खराब कर रहा है ये डोर को, ऐसे खींच क्यों रहा है? बंद कर इस डोर को। तो सुन लिया गाइस इसका गाना, और मैं कर रही थी इधर परेस इस वाली सलवार पे, क्योंकि इसकी कटिंग करनी है मेरे को, तो इस पे परहेज कर रही थी। तो गाइस मानिक का हो गया अकेडमी का टाइम, इसको अकेडमी छोड़ के आती हूँ मैं। चप्पल कहाँ है मेरी? उधर देखिए आंटी ने झाड़ू पोछा किया, उसने सीढ़ियों में नहीं रख दी। काम वाली भी चप्पलों को ठेठ ऊपर तक चढ़ा देती है सीढ़ियों तक। यहाँ रखी थी, यहाँ से वहां पहुंचा दी। तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ मानिक को जल्दी से एकेडमी। चल तू चल। तो गाइज मैं छोड़ के आ गई हूँ मानिक को, बना देती हूँ इनके लिए एक कप चाय। चाय के लिए बोल रहे हैं तो चाय का पतीला धोना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जब अपने लिए एक कप बनाई थी तो पतीला झूठा पड़ा है, उसमें ही बनाऊंगी छोटे वाले में। तो मैं धो लेती हूँ उस पतीले को और बना देती हूँ एक कप जल्दी से। तो गाइज कपड़े भी धुल गए हैं, एक बार के बच रहे हैं मशीन में सुखाने के लिए, डाल रखे हैं मैंने। ये देखो एक टब तो ये भर के रख दिया है, और उधर एक भर के सूख रहे हैं मशीन में। एक सब्जी भी मैंने बना दी है, क्योंकि कपड़े धुले साथ साथ में सब्जी बना दी, बर्तन वगैरह जो भी थे वो बर्तन वगैरह सब कर दिए थे साथ साथ में। आटा भी लगा के रख दिया था, ये देखो परात में आटा लगा के रखा है। इधर ये सब्जी भी बन गई है, अब बस थोड़ी देर में इस गैस को बंद कर दूंगी। रोटियां भी सेक ही लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मानिक और उसके पापा दोनों अकेडमी गए हुए हैं, और जो ये धुले हुए बर्तन रखे हैं इनको भी रैक में लगा दूंगी साथ साथ में। तो मैं रोटियां और बना देती हूँ। वैसे तो आज मेरे को फ्रिज साफ करना था, पर आज फ्रिज साफ तो हुआ ही नहीं। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा होती है, कुछ करने का मन ही नहीं करता दिन में, पर फ्रिज तो साफ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। रईस मानिक ने आज उसमें लस्सी भी गिरा दी, तो एक तो करना ही पड़ेगा, नहीं वैसे तो क्या पता ये एक दो दिन और टल जाते। तो आज तो होगा नहीं, कल भी नहीं होगा, कल हमें जाना है कहीं, तो कल भी नहीं होगा। देखूंगी कल शाम को, अगर टाइम से आ जाएंगे तो शाम को करूंगी। तो ये पहले मैं रोटियां बना देती हूँ। कपड़े धोए तो देखो पूरी गिल्ली हो रही हूँ, सारे कपड़े भीगे पड़े हैं, तो रोटियां बनाने के बाद ही कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। तो रोटियां और बना देती हूँ साथ साथ में, गर्मी में बुरी हालत हो रही है, तो वही बना लेती हूँ मैं जल्दी से रोटियां, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस खाना बना दिया है मैंने, अभी मानिक और उसके पापा आए नहीं है अकेडमी से, गैस वगैरह साफ कर दिए, बर्तन थे जो सब्जी वगैरह के खाली करके साफ कर दिए हैं। ये मैं थोड़ी देर पसीने सुखा लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। और रितिका कर रही है इधर अपना हॉलीडे होमवर्क, 40 दिन की छुट्टियां निकल गई, तेरा होमवर्क अभी तक हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट हुए ऐसे, कितने बच गए अब? क्यों खिंडा रही है उनको? कितने पेजेस के बना के रख रखे
कौन कौन सब्जेक्ट के हैं, हो गए कम्प्लीट? हो गए कम्प्लीट? कम्प्लीट हो गए, बस मैं बोल करती हूँ। पसीने सुखा लो, मैं आपके आऊँगी फिर। पंखे के अगर मैं पसीना सुखाऊंगी तो ये इससे चलाऊंगी, चला लो नहीं फिर एकदम से तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे क्या हम जाऊँगी तो पंखे की हवा ही अच्छी लग रही है उस घर में। रसोई में तो आजकल जाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। मैं ट्यूशन पे लोग के सामने बैठकर जब भी पसीने नहीं सूखे मेरे, टी शर्ट भी तो ऐसे पहन के जाते हो उसमें पसीने नहीं सूखते। तो गाइज इस वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।